यार आज की वीडियो काफी रिक्वेस्टेड वीडियो, मुझे काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। कॉस्मलाइट है क्रीम का रिव्यू कीजिए, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर काफी वीडियो अवेलेबल है इस क्रीम पर। उन सारे वीडियोस में ये बताया कि अगर आप इस क्रीम को यूज करते हो तो ये क्रीम आपको 10 से 15 डेज में आपकी स्किन को 4 से 5 शेड लाइट करती है। तो दोस्तों एक्चुअल में इस क्रीम की क्या सच्चाई और एक्चुअल में इस क्रीम को किस पर्पज में यूज में लिया जाता है, इसकी क्या बेनिफिट है, आप इस क्रीम को कितने टाइम तक यूज कर सकते हो, इसमें कौन कौन से कंपोजिशन डाले गए, इसकी क्या प्राइस, कहां से परचेस करना है, टोटली हम डिस्कशन करेंगे इस प्रोडक्ट का ऑनेस्ट के साथ। तो ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, तो वीडियो को सबको अंत तक बने रहना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों सबसे पहले मैं कंपोजिशन की बात कर लेता हूं। कॉस्मलाइट क्रीम में जो कंपोजिशन यूज में लिए गए ना, वो है हाइड्रोक्विनोन प्लस ट्रेटिनियन प्लस मोमेटोसन फ्लोराइड क्रीम। दोस्तों हाइड्रोक्विनोन क्या करता है, आपकी स्किन के मेलेनिन के स्तर को कम करता है, जिससे कि क्या होता है आपकी स्किन लाइट दिखती है। और ट्रेटिनियन क्या करता है, अगर आपके फेस पर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उनको कम करने में हेल्प करता है। मोमेटोसन अगर आपकी स्किन में किसी भी प्रकार की एलर्जी हो रखी है तो उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्विनोन एक प्रकार का स्टेरॉइड है, ये आपकी स्किन के लिए सेफ नहीं है। अगर आप इस क्रीम को यूज करते हो तो आपकी स्किन पर 100% साइड इफेक्ट होंगे। यूट्यूब पर वीडियोस में बताया गया है कि आपकी स्किन को लाइट करेगा, लेकिन लाइट जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपकी स्किन को डार्क भी बनाने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस क्रीम को यूज मत करिएगा। अगर आप यूज करना चाहते हो तो डॉक्टर्स के डिस्क्रिप्शन के बाद ही इस क्रीम को यूज करना चाहिए और ज्यादा लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पॉइंट और भी कुछ क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।